नमस्कार दोस्तों, एक कार्यक्रम डेली 30 जिसके बारे में हमने चर्चा की, आप लोगों के जो नए लोग हैं उनके मन में एक बात होगी कि ये डेली 30 है क्या, डेली 30 की चर्चा इतनी क्यों होती है। जो लोग उससे पुराने समय से जुड़े हुए हैं IAS प्रेप अकेडमी चैनल पर, जिन लोगों ने डेली 30 को देखा है उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि कुछ दिनों से बंद चल रहा था, जिसको हम इस प्लेटफॉर्म पर फिर से चालू कर रहे हैं। ओम पांडे चैनल जो है, मेरे नाम से ही ये चैनल है और इस ओम पांडे चैनल पर इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डेली 30 प्रोग्राम क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और लोग इसकी इतनी डिमांड क्यों कर रहे हैं। मेरे पास लगभग 10-15 मैसेज रोज आते हैं कि सर डेली 30 फिर से स्टार्ट करें, आखिर क्यों इसकी डिमांड करते हैं और क्या लाभ मिलता है। इसका नाम 30 है, 30 से ही मैं चीजों को बताना चाहूंगा कि इसमें 20 GS के क्वेश्चन और 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चन, ये हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। डेली नाम है तो इसलिए डेली डिस्कस करते हैं, और डेली डिस्कस ही नहीं करते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं और एक दिन जो 7वां दिन होता है वो होता है संडे। संडे को हम लोग इसका टेस्ट रखते हैं, ठीक है। शेड्यूल अभी तक जो चल रहा था वो यही था, और ये जो 6 दिन होते हैं, 6 दिन का जो हम डिस्कशन करते हैं, यानी कि मंडे टू सैटरडे जो ये डिस्कशन चलता है, मंडे टू सैटरडे की इस डिस्कशन में टॉपिक बटे हुए होते हैं। उसका शेड्यूल जल्दी आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से कि किस दिन कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यानी किस सब्जेक्ट का टॉपिक। मान लीजिए मंडे को हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, ट्यूजडे को हम अगर ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे ऐसे बढ़ते चले जाइए, एक दिन हम साइंस डिस्कस करते हैं, एक दिन हम ऐसे जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़े देख लेते हैं, और रोज का रोज करंट अफेयर आपका तैयार होता ही जा रहा है। 10 क्वेश्चन एक दिन के करंट अफेयर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के दौरान हम लोग उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। पूरी व्याख्या इस लिहाज से करते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बना जिसमें केवल ये था कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब हमने व्याख्या की तो वहां पर हमने ये भी देख लिया कि इसकी थीम क्या है और इसकी महत्ता क्या है और किसने इसको मनाना शुरू किया था और क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, इस दिवस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस पर अगर भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके वो हो जाएंगे, इसकी विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके हो जाएंगे। इस कारण से लोगों को इसकी डिमांड करनी पड़ रही है और लोग इसको चाह रहे हैं कि ये आ जाए। यूपीएससी, यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम, चाहे वो RO/RO का एग्जाम हो, चाहे वो लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम हो, चाहे वो GIC लेक्चरर का होने वाला एग्जाम हो उसका GS, चाहे वो एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्जाम हो उसका GS, चाहे वो अपर सबॉर्डिनेट का एग्जाम हो उसका GS, चाहे वो MPPSC का एग्जाम हो, BPSC, बस यहां पर ऑप्शन 5 हम नहीं देते हैं, बस इतना ही अंतर इसमें मिलेगा आपको। बाकी कोई भी एग्जाम हो, आपको RAS का एग्जाम भी देना है, वहां पर आप इस क्लास का बहुत सही से उपयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता ही है और सैकड़ों लोगों ने डेली 30 को फॉलो करके अपनी तैयारी को इस लायक बनाया है कि वो हर हाल में पास हो गए हैं। RO/RO के रिजल्ट में, अपर सबॉर्डिनेट 2020 के रिजल्ट में, BO जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके रिजल्ट में डेली 30 के स्टूडेंट पास हुए हैं। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके लगातार कमेंट आते रहते हैं, लगातार मैसेज आते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके वीडियोस मिलने आपके चालू हो जाएंगे और ये जो क्लासेस होंगी इसका शेड्यूल मैं दे दूंगा आपको। ये इसीलिए मैं पूरा ऐसे नहीं बोल के बता रहा था कि आप इसको शेड्यूल ना मांग लें, है ना। कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, है ना, जनसंख्या नगरीकरण, कोई भी रिपोर्ट आती है वो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक, एग्रीकल्चर का टॉपिक, कुछ भी जो होता है वो हम डेली 30 में कवर करते हैं। GK के पोर्शन को भी हम डेली 30 में कवर करते हैं। इस तरीके से आपकी एक संपूर्ण तैयारी डेली 30 के माध्यम से होती है। तो ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को
खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक को पहुंचाएं, जिससे कि यह कार्यक्रम मैं आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे से मैं आपके लिए इसको चला सकूं। और यकीन मानिए 3-4 महीने देखने के बाद इतने टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, मैं शायद बताना भूल गया, एक टॉपिक हम लेते हैं और उस टॉपिक पर 20 क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें 20-25 प्रश्न ही बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें 50-60 प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम कई पार्ट में ले लेते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले से बता दिया जाए कि कल क्या टॉपिक चलने वाला है डेली 30 में, तो आप पढ़ भी सके। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पहले ही हम अनाउंस कर दें एक शेड्यूल के जरिए कि टेस्ट होगा तो कौन कौन सा क्या पूछा जाएगा। वैसे टेस्ट में ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट में जितना ज्यादा समग्रता के साथ ज्यादा पुराने समय का आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप रिकॉल करने के लिए उसमें मजबूर होंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये जो टेस्ट होते हैं जितने भी, वो IAS Prep Academy पे आप दे सकते हैं। ये IAS Prep Academy का जो ऐप है, IAS Prep Academy के ऐप पर आप दे सकते हैं, दे पाएंगे ये टेस्ट, है ना। UPSCTarget.com वेबसाइट और IAS Prep Academy ऐप, यहाँ पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होने जा रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बस मैं यह चाहता हूँ कि आप इसमें अपना योगदान इस तरीके से करें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खुद पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इसका इतना प्रसार कर दें कि हर व्यक्ति डेली 30 का लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।